हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिज रिव्यूज। आई होप आपको मेरे रिव्यूज पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे रिव्यूज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक और ब्यूटी प्रोडक्ट, और वो ब्यूटी होगी हमारे हेयर से रिलेटेड। हेयर भी हमारे ब्यूटी का एक हिस्सा है। लंबे काले घने बाल जब होते हैं तो ब्यूटी पे चार चांद लग जाते हैं, और हर लड़की का सपना होता है कि उसके बाल बहुत लंबे हो। सो, जब बात करें लंबे बालों की, उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक जो मैं आपको रिव्यूज दे चुकी हूँ ब्यूटी के या कपड़ों के बारे में, आई होप आपको पसंद आया होगा। सो गाइज, लंबे बालों की बात जब करे तो हर लड़की को चाहिए होते हैं लंबे बाल। आप मेरे बालों को देख रहे हैं, इनकी लेंथ बहुत अच्छी है। मैंने आगे से कट ले रखा है, फ्लिप ले रखा है, और इन बालों के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है। और मैं जो प्रोडक्ट यूज ले रही हूँ उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगी, और वो प्रोडक्ट है गाइस ऑयल है। उस ऑयल के बारे में, शैम्पू के बारे में भी हम बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं एक ऑयल के बारे में बताऊंगी, और वो पूरा आयुर्वेदिक है। पूरा तेल आयुर्वेदिक है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी, वो है ये गाइस ओन एंड ओन का महाभृंगराज ऑयल। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूंगी, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका लिंक ले लीजिएगा और इसको खरीद लेना। और गाइस, इसको यूज करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। बहुत ज्यादा टफ नहीं है कि आपको कोई अलग तरीके से यूज करना पड़ेगा। सो गाइस, जैसे अपने आप बालों को वॉश कर लेते हैं, आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, थोड़ी सी, और आपको इंस्टेंट इंस्टेंट शाइन दिखेगी। ये है आफ्टर वॉश, आपको हल्का लगाना है। और आपको मैं बता दूं, जब आप ऑयलिंग करते हैं, वॉश करने से पहले आप ऑयलिंग करते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया कि ऑयलिंग बहुत जरूरी है आपके बालों के लिए। आपके बालों को जब आप ऑयलिंग करते हैं तो इनकी रूट्स हैं वो मजबूत होती हैं, आपके बाल घने बनते हैं, टूटते नहीं है। सो आप वॉश करने के बाद रात को अपने बालों में इस तेल को लें अच्छे से, और आप अपनी जड़ों में, बालों की जड़ों में अच्छे से ऑयल कीजिए। मैं इस प्रोडक्ट को यूज ले रही हूँ और इसके इफेक्ट्स बहुत 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 ज्यादा अच्छे हैं। आप अपने बालों को पूरा अच्छे से ऑयलिंग करके टाई करके सो जाइए। सुबह आप उनको शैम्पू कर दीजिए, जो मैं शैम्पू यूज लेती हूँ इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी। अभी आप जो भी शैम्पू यूज ले रहे हैं उसके बाद ये ऑयल ओन एंड ओन का महाभृंगराज ऑयल आप जरूर यूज लें। ओन एंड ओन का महाभृंगराज ऑयल, इसमें भृंगराज की जड़े हैं गाइज। आपको किसी भी तेल में भृंगराज देखने को नहीं मिलता, सिर्फ दावे किए जाते हैं कि उसके अंदर भृंगराज है। इसमें भृंगराज की जड़ें हैं, आपको पूरी दिखाई दे रही हैं, और ये इतना इफेक्टिव है, और इसमें कोई स्टिकनेस नहीं है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है ये ऑयल, बिल्कुल भी। मैंने आपको लगा के दिखाया है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। काफी सारे ऑयल्स आते हैं, बहुत अच्छे ऑयल आते हैं, सुना है मैंने, देखा है मैंने, यूज भी करे हैं, लेकिन उनकी स्मेल इतनी तेज होती है कि उससे माइग्रेन वाले लोग तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मैं हर कोई ऑयल यूज नहीं ले सकती थी, लेकिन इस ऑयल ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। इस ऑयल को लगाने के बाद मेरे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, और मुझे गाइस मेरे माइग्रेन में भी रिलैक्स है, क्योंकि भृंगराज है। इसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि आपके सेंस को अच्छी लगती है वो। सो, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं और भी प्रोडक्ट्स आपको बता सकूं। और इस प्रोडक्ट को आप मंगवाना ना भूलें। आप प्लीज एक बार
कंटिन्यू करके देखिए और फिर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऑन एंड ऑन का भृंगराज, कोई और भृंगराज ऑयल नहीं, बहुत सारे भृंगराज ऑयल आते हैं लेकिन ये ऑन एंड ऑन का महाभृंगराज ऑयल मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगी इसका। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।